मैं उमेश चंद्रा नेचर टच परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो दौर चल रहा है, एक ऐसा दौर जहां पर हर व्यक्ति को किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, किसी न किसी मौके की तलाश है। हम सब हर समय हर वक्त किसी न किसी मौके को ढूंढ रहे हैं। ऐसे टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर, एक बड़ी मौका बनकर उभर रही है। सवाल यह है कि हम किस कंपनी के साथ वर्क करें। बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़ता चला जा रहा है। आप किस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, किस कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए? तो आइए देखिए कि नेचर टच कंपनी के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन सी कुछ खास बातें हैं जो नेचर टच कंपनी के साथ आप अपना कैरियर, अपना भविष्य आप बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि नेचर टच कंपनी आपको प्रोडक्ट्स बहुत कम समय में, विद इन 2 इयर्स, 2 साल में एक बेहतर प्लान के साथ साथ कंपनी ने लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए हैं। एक बड़ा रेंज कंपनी के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां पर हैं, आप जिस जगह पे हैं, उस जगह से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सवाल एक नेचर टच कंपनी ही आप क्यों करें, तो नेचर टच कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, एक उभरती हुई कंपनी है, जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो कंपनी के साथ साथ आपकी वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट, आपके जो अर्निंग होगी वो किसी अदर कंपनी के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होगी। क्यों? कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आप ग्रो करेंगे। इस कंपनी को आप अपनी जिस जगह पे आप हैं वहां से लेकर भारत के हर कोने में, हर शहर में, हर जगह इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। एक मौका है जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट चाहे लॉन्च करना, आप डिस्ट्रिक्ट लॉन्च करिए। आप स्टेट लॉन्च करना चाहते हैं, आप स्टेट लॉन्च करिए। आज किस वीडियो में मैं आपको वो कई पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप नेचर टच कंपनी को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में हमारे पास ऐसी कौन सी बातें हैं, नेचर टच कंपनी के साथ आपको क्यों आना चाहिए। तो नेचर टच कंपनी आपको देती है 14 प्रकार की इनकम, 14 टाइप्स ऑफ मनी आपको मिलता है जब आप कंपनी से जुड़ते हैं, जब आप एसोसिएट होते हैं कंपनी से, तो कंपनी आपको 14 प्रकार की इनकम देती है। इस वीडियो में सिर्फ आपको 2 तरह की इनकम का जिक्र करूंगा, 2 तरह की ऐसी इनकम जो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको इंडिपेंडेंट बना देगा, आपको फ्रीडम देगा, आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा, आप एक बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। सिर्फ ये 2 तरह की इनकम अगर आपको समझ में आएगी, अगली जो वीडियोस मेरे होंगे उसमें मैं बाकी सभी तरह की इनकम का जिक्र करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको 2 तरह की इनकम की बात करने जा रहा हूं। नेचर टच कंपनी की जो पहली इनकम है, पहली इनकम वो आपको पता है कि रिटेल प्रॉफिट, मैंने रिटेल प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया है। नेचर टच कंपनी से जब आप जुड़ते हैं तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं अप टू 30% आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, रिटेल प्रॉफिट मिलता है। आइए देखिए कि वो कौन सी 2 इनकम जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनसे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इनकम कंपनी का है, बिजनेस पॉइंट मैचिंग बोनस, बिजनेस पॉइंट मैचिंग बोनस, बीपी मैचिंग बोनस। बिजनेस पॉइंट मैचिंग बोनस कंपनी 40% देती है, 40% देती है कंपनी का जो भी बिजनेस पॉइंट जाता है। अब आपको यह समझना है कि कंपनी का बिजनेस पॉइंट से क्या मतलब है, कंपनी का बिजनेस पॉइंट क्या है। तो जब कंपनी से आप एसोसिएट होते हैं, जब नेचर टच कंपनी से आप जुड़ते हैं, तो 3,000 रुपए का पैकेज, जो हमारा पैकेज है, प्रोडक्ट्स आपको परचेज करना होता है। जैसे ही आप 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको ऑन एमआरपी 4,000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, डबल स्टेम सेल पाउडर और क्रिल ऑयल कैप्सूल, जिनका बेहतर रिजल्ट है, जिनका अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक बेहतर रिजल्ट आएगा। तो जब 3,000 रुपए का पैकेज आप जैसे ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है, और आपको बदले में मिलता है 1500 बिजनेस पॉइंट, 50% बिजनेस पॉइंट मिलता है। याद रखिएगा,
जब आप 3000 रुपए की परचेजिंग करते हैं तो नेचर टच कंपनी आपको देती है 1500 बिजनेस पॉइंट। और इस तरीके से जैसे ही आप लेफ्ट में या राइट में या लेफ्ट राइट दोनों में आप 3000 रुपए की परचेजिंग कोई करता है आपके ए ग्रुप में या आपके बी ग्रुप में, तो यहां पर भी 1500 बिजनेस पॉइंट मिलता है। इस तरीके से जितने लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे 50% बिजनेस पॉइंट होता है। तो टोटल कंपनी का मैचिंग बिजनेस पॉइंट कैसे आपको मिलता है, कंपनी का बिजनेस पॉइंट मैचिंग बोनस कैसे आपको देती है। सबसे पहली बात कि कंपनी का वीकली पे आउट है, मैंने लिख दिया आप 6 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख को कंपनी वीकली पे आउट आपको देती है। 1 से 6 तारीख के बीच में जितना भी बिजनेस जाता है आपको 7 तारीख को आपको पैसा मिल जाता है। इसी तरीके से आपका 6 से 12 तारीख के बीच में जितना भी बिजनेस जाता है आपको पेमेंट आपको मिल जाता है। तो जो क्लोजिंग पूरी मंथ का वीकली क्लोजिंग है, इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो आपके डेली के जो खर्च है, आपके इमीडिएट अगर इनकम चाहिए तो ये आपको वीकली जो पे आउट नेचर टच ने आपको दे रही है, ये सबसे बेहतरीन इनकम है, ये सबसे बेहतर तरीका है आपको वीकली जो इनकम मिलता है। तो कंपनी का वीकली पे आउट आपको कैसे आता है इसको हम यहां समझते हैं कि बिजनेस पॉइंट 40% कैसे आपको देती कंपनी। तो कंपनी का जितना भी बिजनेस पॉइंट वीकली जाएगा 1 से 6 तारीख के बीच में, कंपनी का जितना भी बिजनेस पॉइंट जाएगा, मतलब कि आप कितनी भी आईडिया आपके टीम में ग्रीन हो रही है, आपकी आपके अदर टीम में, आपके क्रॉस लाइन में, स्टेट किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी कोने में, वो सारा 1 से 6 तारीख के बीच में बिजनेस पॉइंट को काउंट कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा और टोटल जो भी बिजनेस पॉइंट आएगा उस बिजनेस पॉइंट का कंपनी निकालती है 40%। जब 40% बिजनेस पॉइंट का कंपनी अलग करेगी तो जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूटर्स में, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का आसान तरीका है कि जिसकी जितनी मैचिंग होगी, जिसका एक पेयर बनेगा, जिसका दो पेयर बनेगा, किसी का 10 पेयर बनेगा, टोटल जो भी होगा, टोटल वीकली जो पेयर होगा उसको कंपनी ऐड कर लेगी और उससे डिवाइड कर लेंगे आप जो भी अमाउंट आया 40%, तो एक पेयर की कीमत आ जाएगी। एक पेयर की कीमत सपोज करिए कि 1200 रुपए आई, मैं कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि एक पेयर की जो वैल्यू आई वो 1200 रुपए आई। अब जिसकी जितनी पेयर बना रहेगा, जिसकी जितनी वैल्यू बना रहेगा, जैसे मान मिस्टर ए की जो मैचिंग है, मिस्टर ए ने 1 से 6 तारीख के बीच में अपना 10 पेयर बना लिया, इनकी मैचिंग 10 पेयर आई, तो 10 से आप 1200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 12000 रुपया मिस्टर ए को वीकली पेमेंट मिल गया मैचिंग बोनस, जो बिजनेस पॉइंट मैचिंग बोनस जो नेचर टच दे रही है। इसी तरीके से मिस्टर बी की मैचिंग, मिस्टर बी की मैचिंग 30 पेयर मैच कर गई, कीमत आई 1200 रुपए पर, वैल्यू वही रहेगी सबके लिए, अलग अलग वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन जिसकी जितनी पेयर मैच होगा उसको उतना पेयर मिलेगा। मिस्टर बी की मैचिंग बनी 30 पेयर, तो मिस्टर बी की जो इनकम होगी 36000 रुपए पर वीक होगी, 36000 रुपए पर वीक होगी मिस्टर बी की बोनस। इसी तरीके से मिस्टर सी की मैचिंग, मिस्टर सी की मैचिंग 100 पेयर कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिएगा इसमें कंपनी ने कोई कैपिंग नहीं दिया है, ये सबसे खूबसूरत बात नेचर टच के प्लान की है, यहां पे कोई भी कैपिंग नहीं लगा हुआ है। तो 100 पेयर से अब 1200 का गुणा कर दीजिए, आपका बनता है 1,20,000 रुपये पर वीक इनकम हुई मिस्टर सी की, मिस्टर सी की इनकम हुई 1,20,000 रुपया पर वीक। इसी तरीके से मिस्टर डी की मैचिंग 500 पेयर मैच कर गया 1 से 6 तारीख के बीच में, कंपनी कभी ये नहीं बोलेगी आपसे कि ये कैपिंग है, मैं तो सिर्फ इतना देने का वादा किया था, कंपनी अनलिमिटेड कैपिंग कर दिया आपके लिए। आप 100 पेयर बना लीजिए, 200 पेयर बना लीजिए, 500 पेयर बना लीजिए, आप 1000 पेयर बना लीजिए, आपको बनता है 500 पेयर 1200 से मल्टीप्लाई करिए 6,00,000 रुपए पर वीक इनकम होती है मिस्टर डी की। कैसा लग रहा है आपको देखकर बताइए, आपने बहुत सारा प्लान देखा होगा जिसमें कैपिंग दे दिया जाता है, जब आपको कमाने का टाइम आता है तो कैपिंग हो जाती है
और इस तरीके से आपका नुकसान होता है। लेकिन नेचर टच कंपनी ने इसका विशेष ध्यान दिया है, आपकी वैल्यू दिया है कि आपने जो इफर्ट किया, आपने जो मेहनत लगाया है, उस मेहनत की कीमत आपको मिलनी चाहिए और नेचर टच कंपनी आपको दे रही है। इस तरीके से अगर आप नेचर टच कंपनी में आप जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो बिजनेस पॉइंट मैचिंग बोनस आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं वीकली 6 लाख से लेकर आप जितना चाहे जितनी भी मैचिंग, अब पूरा देश आपका वेट कर रहा है, आप कमा सकते हैं। दूसरी जो कंपनी ने वादा किया था कि मैं दो तरह की इनकम की बात करूंगा, मैंने पहली इनकम की बात आपको बताया कि नेचर टच की पहली जो इनकम है ये बिजनेस पॉइंट मैचिंग बोनस। एक और इनकम जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी वो भी इनकम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। अक्सर एक सवाल आता है कि आपकी कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग क्या देती है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, एक सवाल बार बार आता है कि डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कंपनी क्या देती है, तो नेचर टच कंपनी जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस है, ये हमारी तीसरी इनकम है। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस ये 50% है। ध्यान से देखिए, फिर से बिलीव नहीं होता लोगों को, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस नेचर टच कंपनी आपको दे रही है 50%। आप अपने से डायरेक्ट जितनी भी स्पॉन्सरिंग करते हैं, अगर आपने शुरुआत किया, आपने यहां पे मिस्टर ए और मिस्टर बी को यहां पे शुरू करवाया डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, इनकी जितनी भी इनकम आएगी उस इनकम का 50% आपको जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर बी की जितनी इनकम आती है वो भी आपको मिलता है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। अगर आप करेंगे तो वो लेफ्ट में या राइट में आएगी स्पॉन्सरिंग आपकी, जितनी भी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करेंगे। सपोज करिए कि मिस्टर ए की शुरुआत आपने करवाया था और मिस्टर ए की इनकम हो गई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का 50% 50,000 रुपए आपको जाता है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस नेचर टच कंपनी आपको देती है। मिस्टर बी की इनकम हो गई 50,000 रुपए, इधर से आपको इसका 50% जाता है 25,000 रुपए डायरेक्ट आपको जाता है। सवाल यह आता है कि हम कितनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, तो आप जितनी चाहें उतनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। आप खुद बताइए कि प्लान कैसा लग रहा है आपको। इस तरीके से आपने 10 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर दिया और 10 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग अगर किसी की कीमत, किसी की जो अर्निंग 50,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 5,000 है, किसी का 1 लाख है, अगर टोटल मिलाकर 10 लाख इनकम जाती है तो आपको 50% मिलता है, यहां पे सीधा 5 लाख रुपए। जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस की बात करते हैं वो इस तरह नेचर टच प्लान आपको, जो नेचर टच कंपनी, नेचर टच का प्लान जो आपको दे रहा है, बाकी किसी को भी देने की हिम्मत आज के डेट में जो है इस तरीके के किसी ने सोचा नहीं था। कंपनी ने आपके बारे में सोची थी कि आपको कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको अर्निंग दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा हम अचीवर्स कैसे दें। तो नेचर टच कंपनी का दोनों तरह का प्लान आपको समझ में आएगा। जो पहला जो मैंने बताया था मैचिंग 40% जो देती कंपनी और डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग आपको 50% मिलता है, जिसको डायरेक्ट आप स्पॉन्सर करते हैं। डिसीजन आपको लेना है, मौका बार बार नहीं आता है, एक बार आपको डिसीजन लेना है कि किस कंपनी के साथ काम करना है और आपको नेचर टच कंपनी के साथ क्यों काम करना है। नेचर टच कंपनी में आपका भविष्य क्या है, आपका कैरियर क्या आगे बनेगा। मैंने बताया था कि नेचर टच कंपनी आपको 14 प्रकार की इनकम देती है, अभी तो मैंने सिर्फ 2 प्रकार की इनकम की बात किया था, आगे तुमने बहुत सारे फंड है, बहुत सारे बोनसेस है, लीडरशिप बोनस है, मेंटर बोनस है, डायरेक्टर बोनस है, एक्टिव बोनस है, इस तरीके से बहुत सारा बोनस है। डिसीजन सिर्फ आपको लेना है कि नेचर टच कंपनी आपको क्यों करना है। ये रीजन अगर आपको पता चल जाए कि क्यों करना है, आगे क्या भविष्य होगा, क्या कैरियर होगा यहां पे आकर, मैंने सिर्फ एक बताया कि नेचर टच कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी के साथ आपका भी ग्रोथ होगा, आपकी भी वैल्यू होगी। आपको तीसरी और दूसरी इनकम के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि नेचर टच कंपनी की वो कौन सी यूनिक है प्लान के अंदर, नेचर टच कंपनी के प्लान में वो क्या यूनिक चीजें हैं जिसके वजह से आपको नेचर टच कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए, वो कौन सी बातें हैं। मैं अलग अलग
मेरा प्लान है, मैं अलग अलग तरह से आपको हर एक वीडियो में हर एक तरह की इनकम का मैं आपको जिक्र करूं, हर एक इनकम को मैं आपको बताना चाहता हूं अलग अलग तरीके से, ताकि एक बार आप कंसंट्रेट होकर आप इसे देख सकें कि नेचर टच कंपनी का यूनिक प्लान क्यों है, क्यों हम इस प्लान को एक यूनिक प्लान कह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रिटेल प्रॉफिट 14 तरीके की जो इनकम कंपनी आपको देती है जिसमें रिटेल प्रॉफिट है। दूसरी जो इनकम मैंने आपको बताया था कि जो मैचिंग जो बोनस कंपनी आपको देती है, कंपनी का जो टर्नओवर होता है, कंपनी बिजनेस पॉइंट का जो टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर का 40% आपको देती है। तीसरी इनकम में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस कंपनी का 50% है। आपके डाउनलाइन में डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की जितनी इनकम होती है उसका 50% नेचर टच कंपनी आपको देती है। यह पैकेज की इनकम थी। अभी जिस इनकम की शुरुआत में आपको बताने जा रहा हूं यह रिपर्चेज इनकम है, जहां किसी भी एक प्रोडक्ट से आप नेचर टच कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं, आप एसोसिएट हो सकते हैं। अगर आप आते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिपर्चेज जो इनकम होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है, आप अपने मन पसंद के किसी भी प्रोडक्ट को अगर परचेज करते हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी, उनका जो बिजनेस पॉइंट होगा, उनका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा, हम उन्हें बीवी के नाम से जानते हैं, बिजनेस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। हर प्रोडक्ट की अपनी एक बिजनेस वॉल्यूम है। पैकेज में जो मैंने आपको बताया था वो बिजनेस पॉइंट था, बीपी था, कि जब 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 1500 बिजनेस पॉइंट मिलता है। लेकिन दोबारा जब आप अपने मनपसंद का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, बीवी मिलता है। हर प्रोडक्ट की अपनी एक बिजनेस वॉल्यूम है, बिजनेस वॉल्यूम है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप की बिजनेस वॉल्यूम है। ये सारे बिजनेस वॉल्यूम कंपनी कैलकुलेट करती है जिसके ऊपर आपको इनकम दिया जाता है। तो एक बेहतरीन इनकम के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, नेचर टच कंपनी की जो चौथी इनकम है, डायनेमिक एक्टिव बोनस 10% मंथली कंपनी देती है। यहां से मंथली इनकम की शुरुआत होती है, आप अपने मन पसंद का रिपर्चेज, जो भी रिपर्चेजिंग करते हैं और आपकी टीम जो रिपर्चेज करती है, उस रिपर्चेज की कंपनी ने मैचिंग तैयार की आपको, ये मैचिंग मंथली है, ये बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग पे होगा। जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं अपने मनपसंद का, इसमें कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं है, हर प्रोडक्ट पे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। 2 से 2500 के प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हैं तो आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। किसी किसी प्रोडक्ट पे आपको 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। इसी तरीके से ऑन एवरेज अगर 2000, 2200, 2400 का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और 1000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपका लेफ्ट में जाता है, ध्यान से देखिएगा कि डायनेमिक एक्टिव बोनस कैसे कंपनी आपको दे रही है। इतनी बड़ी इनकम जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ एक तरह की इनकम नेचर टच की आपको फ्रीडम दे सकती है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपका अगर लेफ्ट में जाता है, आपने अपना पर्सनल 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया और लेफ्ट में 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया और राइट में 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम अनुपाते 1000 बिजनेस वॉल्यूम बराबर 1 यूनिट है। लेफ्ट में अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम जाता है और राइट में 1000 बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो आपको मैचिंग मिलता है 1 यूनिट, और इसी यूनिट के हिसाब से कंपनी आपको आपको देती है डायनेमिक एक्टिव बोनस। आगे देखिए कितनी मजेदार इनकम है ये। कंपनी का जितनी भी आपकी टीम जा रही है, लेफ्ट में जितना भी टर्नओवर जाएगा और राइट में जितना टर्नओवर जाएगा, 1 से 30 तारीख के बीच में टोटल टर्नओवर जो भी होगा आपकी मैचिंग होगी। लेफ्ट में जितना बिजनेस वॉल्यूम जाएगा और राइट में जितना बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, मैंने आपको आसानी के लिए मैंने यहां लिख दिया है, आप समझे, ध्यान दें कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम यहां पे गया, कोई और टीम में किसी ने 10000 किया, किसी ने 5000 किया, किसी ने 3000 किया, कहीं से 50000 गया लेफ्ट में, राइट में कहीं से 50000 गया, 31000 गया, 10000 गया, 1000 गया, इस तरीके से टोटल राइट की जितनी इनकम होगी, जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम होगी,
उस बिजनेस वॉल्यूम को जोड़ लिया जाएगा। लिफ्ट की जितनी बिजनेस वॉल्यूम होगी उसको जोड़ लिया जाएगा। इन दोनों को जोड़कर, ध्यान से देखिए मैंने लिख दिया है, लेफ्ट की जितनी बिजनेस वॉल्यूम होगी उसे जोड़ा जाएगा और राइट की जितनी बिजनेस वॉल्यूम होगी उसे जोड़ा जाएगा और बराबर टोटल यूनिट, जितनी भी टोटल यूनिट होगी आपकी टीम की या और भी कंपनी का जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम होगा, ध्यान कंपनी का, उस बिजनेस वॉल्यूम का 10% कंपनी आपको देती है। 10% 1 से 30 तारीख बीच में जितनी भी बिजनेस वॉल्यूम हुआ होगा उसका 10% कंपनी आपको अलग करती है। जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट में टोटल जितना यूनिट हुआ होगा आपकी टीम से और अदर की टीम से टोटल यूनिट से भाग आप दे देते हैं तो आपको एक यूनिट की कीमत आ जाती है। अमाउंट जितना भी आएगा उसमें टोटल यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की कीमत आ जाएगी। अब सपोज करिए कि एक यूनिट की कीमत आई 500 रुपए, एक यूनिट की कीमत आई 500 रुपए। अब जिसकी जितनी यूनिट मैच किया गा, किसी का 1000 बिजनेस वॉल्यूम अगर लेफ्ट में है और 1000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में है तो उसका एक यूनिट मैचिंग बनेगी। एक यूनिट अगर मैचिंग बना उसको 500 रुपए जाता है सिर्फ डायनेमिक एक्टिव बोनस। लेकिन किसी का मिस्टर ए की यूनिट अगर 100 मैच कर गई, जैसे ही 100 मैच करेगी, 100 यूनिट कैसे मैच करेगी, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं लेफ्ट में, 100 लोग हैं राइट में, सिर्फ 1000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में जा रहा है और 1000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में जा रहा है, इस तरीके से 100 लोग अपना अपना बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं तो 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जाता है। और जब 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो ये आपकी यूनिट मैच करती है 100। जब 100 यूनिट मैच कर ले गई तो एक यूनिट की कीमत 500 रुपए, तो आपको मिलता है 50,000 रुपए डायनेमिक एक्टिव बोनस मिस्टर ए को मिलता है। मिस्टर बी ने कुछ ज्यादा काम कर दिया, इनकी टीम से कुछ ज्यादा काम हो गया, इनकी यूनिट मैच कर गई 200 यूनिट, 200 × 500 आपको मिलता है 1,00,000 रुपए डायनेमिक एक्टिव बोनस मिस्टर बी को मिलता है। इसी तरीके से मिस्टर सी ने और ज्यादा काम किया, इनकी यूनिट मैच कर गई 300 यूनिट और एक यूनिट की कीमत आई 500 रुपए, इनको 1,50,000 रुपए जाता है डायनेमिक एक्टिव बोनस, 1,50,000 रुपए जाता है। मिस्टर डी ने और ज्यादा मेहनत किया, इनकी यूनिट मैच कर गई 500, 2,50,000 रुपए ले जाते हैं सिर्फ एक्टिव बोनस। ये नेचर टच के प्लान की जो यूनिक बात मैं आपसे बता रहा हूं कि जो नेचर टच प्लान की सबसे यूनिक जो चीज है वो आपको मैं दिखा रहा हूं कि सिर्फ एक्टिव बोनस से कैसे आप बड़ा से बड़े अचीवमेंट आप ले सकते हैं। तो मिस्टर डी की यूनिट मैच के 2,50,000 रुपए ले गए डायनेमिक एक्टिव बोनस। मिस्टर आर ने और ज्यादा वर्क किया, और बड़ी टीम है, इनकी मैच कर गई 1,000 यूनिट और एक यूनिट की कीमत आई 500 रुपए, 1,000 × 500 5,00,000 रुपए ले गए सिर्फ एक्टिव बोनस, डायनेमिक एक्टिव बोनस। ये खासियत है नेचर टच के यूनिक प्लान की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेचर टच का हर प्लान, हर पॉइंट का एक सीक्रेट है, एक रहस्य है, चाहे वो दूसरी तरह की इनकम हो, चाहे हमारी तीसरी इनकम हो, चाहे हमारी चौथे लेवल की इनकम हो, डायनेमिक एक्टिव बोनस। सिर्फ एक इनकम आप अगर काम करना शुरू कर दिया आपने, एक बार अगर बिजनेस आपने खड़ा कर दिया, एक बार अगर आपकी बिजनेस खड़ा हो गया, आपकी टीम खड़ी हो गई, तो आप सिर्फ एक्टिव बोनस इतना कमाएंगे जितना किसी अदर कंपनी के अंदर, जितना किसी अदर कंपनीज में आपकी टोटल इनकम होगी उतना सिर्फ नेचर टच कंपनी आपको देगी डायनेमिक एक्टिव बोनस। यही रीजन है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप नेचर टच के साथ आइए और हम मिलकर आगे इस काम को आगे ले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में नेचर टच कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है और इस ग्रोइंग कंपनी के साथ अगर आप आते हैं तो आप भी तेजी से ग्रो करेंगे। अब मैं आपको नेचर टच की पांचवी इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं। पांचवी जो इनकम है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ध्यान से देखिएगा कि नेचर टच का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस कैसे देती है, कितनी परसेंट आपको मिलता है। 5-30% आपको मिलता है, नेचर टच कंपनी आपको देती है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से लेकर
30% तक, और ये मंथली होता है। जो भी रिपर्चेज आप और आपकी टीम मिलाकर जितनी रिपर्चेजिंग करती है, उस टोटल रिपर्चेजिंग की जो भी बिजनेस वॉल्यूम आता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने एक स्लैब तैयार किया है। आप और आपकी टीम का मिलाकर जुड़ते हुए क्रम में पिछला और अगला जुड़ते हुए जाता है, और जितना बिजनेस वॉल्यूम होता चला जाता है, उस लेवल को आप अचीव करते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं शुरुआत कहां से होती है। एक बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 7500 बिजनेस वॉल्यूम तक जब आप करते हैं, तो आपका लेवल होता है 5% का लेवल आप अचीव करते हैं। एक अच्छी शुरुआत होती है। लेकिन जैसे ही आप 7501 बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं, तो आपको लेवल बदल के हो जाता है 10% का। तो 7501 से लेकर 25,000 बीबी तक बिजनेस वॉल्यूम तक आपका लेवल होता है 10% का। और 2501 जैसे ही आप करते हैं, आपका लेवल अचीव होता है 15% का, 15% का। तो 2501 से लेकर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम तक आप 15% का लेवल अचीव करते हैं। इसी तरीके से जब 50,000 एक से लेकर आपका 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो आपका लेवल होता है 20% का, 20% का। और 1,00,000 एक से लेकर जब 1,50,000 बीवी आप कंप्लीट करते हैं, तो आपका लेवल होता है 25% का। आप 25% का लेवल अचीव करते हैं नेचर टच कंपनी के अंदर। इस तरीके से जैसे ही आप एक बिजनेस वॉल्यूम और कर देते हैं, एक बीवी करके आप 1,50,000 एक बिजनेस वॉल्यूम जैसे ही क्रॉस करते हैं, आपको नेचर टच कंपनी का एक बड़ा पायदान मिलता है। आप डायरेक्ट लेवल अचीव करते हैं, जो डायरेक्टर का जो लेवल है 30% का आप अचीव करते हैं। सबसे बड़ी बात कि कभी डिमोशन नहीं है, प्लान एक्यूमुलेटिव है, आपका कभी भी डिमोशन नहीं होता है। जिस लेवल को एक बार अगर आपने अचीव कर लिया, उस लेवल को दोबारा आपका डिमोशन कभी नहीं होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। एक सबसे बड़ी यूनिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जब आप डायरेक्टर अचीव करते हैं तो 30% का लेवल होता है, और 30% के लेवल में आप फिर डायरेक्टर बोनस कंपनी आपको देती है आगे, जिसका जिक्र मैं अगले स्टेप में करूंगा। तो 30% डायरेक्टर आप अचीव करते हैं 1,50,000 एक बिजनेस वॉल्यूम पे। एक और तरीका अचीव करने का, अगर आप 75,000 बिजनेस वॉल्यूम एक महीने के अंदर आप और आपकी पूरी टीम मिलकर करती है, याद रखिएगा ये फास्ट ट्रैक का रास्ता है। विद इन वन मंथ मैंने लिख दिया यहां पे फास्ट ट्रैक। आप एक महीने में अगर डायरेक्टर आप 75,000 बीबी करते हैं, तो एक महीने में भी आप 30% का लेवल अचीव कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, और आप इसको करना बहुत आसान है। ये नेचर टच कंपनी ने उन लोगों के लिए दिया है जो तेजी से काम करना चाहते हैं, जो ज्यादा चाहते हैं, जो फास्ट ट्रैक पे आकर अधिक से अधिक डायरेक्टर बनाना। तो आप अधिक से अधिक खुद डायरेक्टर बन सकते हैं, और ढेर सारे डायरेक्टर्स अपनी टीम में आप लोगों को बना सकते हैं। इस तरीके से आपका लेवल होता है 30% का। जो इनकम आपको मिलती है वो डिफरेंशियल इनकम होती है। अगर इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे, इस स्लाइड में एक डिफरेंशियल, एक गैपिंग आपको दिखाई देगा। आप जितने खरीदारी करते हैं, परचेजिंग, अगर आपने अपना 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया पूरे महीने के अंदर, और आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, कोई 1,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, कोई 2,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपने 13 फ्रंट लेग अपना ओपन किया है, और एक लेग आपने डेवलप कर दिया, और एक लेग से 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है पूरी टीम से, आपकी पहला जो लेग है, दूसरे लेग से आ रहा 1,00,000, तीसरे लेग से 1,00,000 बीबी आ रहा, इस तरीके से टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है, टोटल बिजनेस वॉल्यूम वो 13,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जाता है पूरे महीने के अंदर। जब 13,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जाता है, आपका लेवल होता है 30% का। लेकिन आपको जो डिफरेंशियल इनकम जो मिलती है, जो डिफरेंशियल इनकम आप जहां पे होते हैं और आपकी टीम जहां पर होती है, तो 1,00,000 बीबी जिस टीम से हुई है, वहां पे 1,00,000 बीबी में वो 20% के लेवल पे वो व्यक्ति होगा। 20% का हिस्सा उस टीम में बट जाएगा, 20 का टोटल जो हिस्सा होगा वो आपको मिलेगा। तो 20 का टोटल हिस्सा कैसे निकलेगा, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हमने लिखा 13,00,000 बीबी,
पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम सिर्फ आपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, इसका सीधा 30% आपको 300 रुपया मिल जाता है। अगर आपने 10000 बिजनेस वॉल्यूम अगर पर्सनल कर लिया है तो आपको 3000 रुपया मिल जाएगा। डिफरेंशियल जो इनकम आपकी बनेगी 30% माइनस 20% बराबर 10%, क्योंकि 20% का हिस्सा यहां पे बढ़ गया, यहां पे भी बढ़ गया, बीच का 10% जो 10% का जो हिस्सा मिला वो टोटल टर्नओवर का आपको मिल जाएगा। तो टोटल टर्नओवर का जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वो गया है 13 लाख बीबी, तो 13 लाख बिजनेस वॉल्यूम का हमने निकाला 10%, 1,30,000 रुपया, 1,30,000 रुपया आपको मिलता है सिर्फ डिफरेंशियल जब आपको 13 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम से जाता है। ये नेचर टच के प्लान की सबसे खूबसूरत बात है कि डिफरेंशियल इनकम भी आप ले सकते हैं। कोई एक व्यक्ति जुड़ता है, आप 30% पे है, वो व्यक्ति 1000 बीबी करता है वो 5% पे होता है। डिफरेंशियल इनकम 250 रुपए सीधा आपको जाती है, 30 माइनस 5% बढ़ गया। इस तरीके से ढेर सारे आप फ्रंट लेग अपना ओपन करके अपना टर्नओवर पूरी टीम का बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा और आपको ये जो इनकम नेचर टच का है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इनकम मिलती है 1,30,000। इस तरीके से एक बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हैं एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस से। नेचर टच कंपनी की छठवीं इनकम आपको तब मिलती है जब आप डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। डायरेक्टर बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं, आप और आपकी टीम मिलाकर करती है, ये एक्यूमुलेटिव है, पिछला और अगला जुड़ते हुए क्रम में, तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं और आपका लेवल जो मिलता है नेचर टच कंपनी में आप 30% का लेवल अचीव करते हैं। इस तरीके से अगर आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक में आपको मात्र 75,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर एक महीने में आप और आपकी टीम मिलाकर कर देती है तो आप 30% का लेवल एक महीने में भी अचीव कर सकते हैं, मात्र 75,000 बिजनेस वॉल्यूम पे भी। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्टर बनने के बाद कंपनी आपको आगे क्या देती है। नेचर टच कंपनी आपको देती है डायरेक्टर बोनस 10% मंथली। ये डायरेक्टर बोनस है, ध्यान से देखिएगा, नेचर टच कंपनी का डायरेक्टर बोनस एक अट्रैक्टिव इनकम है जो कंपनी अपने टर्नओवर से सीटीओ कंपनी टर्नओवर का 10% अपने डायरेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ध्यान दीजिए कैसे देती है कंपनी। हमने आपको बताया था कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपका होता है तो एक यूनिट मिलता है। डायरेक्टर जब आप बन जाते हैं तो आपके टोटल जितनी भी बिजनेस जाता है वो टोटल बिजनेस का यूनिट निकाल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल थोड़ा देखिए, क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। आप अगर डायरेक्टर बन गए लेवल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते क्वालिफाइड डायरेक्टर बनना तो आपको 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आप और आपकी टीम से मिलाकर होना चाहिए। इसको पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, PGBV, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। आप और आपका जो पर्सनल होता है और आपके ग्रुप से जो बिजनेस वॉल्यूम निकलता है उसको मिलाकर बोलते हैं PGBV, जो 30,000 होना चाहिए। और जब 30,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आप डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर आप कहलाते हैं। आइए देखिए एक क्वालिफाइड डायरेक्टर की कितनी इनकम हो सकती है। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आपको मिलता है 30 यूनिट। अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका गया है तो आपको मिलता है 50 यूनिट। अगर आपका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम गया है तो आपको मिलता है 100 यूनिट। इस तरीके से जितने यूनिट आपका होता है उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। कैसे कंपनी देती है जरा देखिए, डायरेक्टर बोनस वैल्यू पर यूनिट कैसे निकाला जाता है। पूरे महीने में जितना भी टर्नओवर कंपनी का जाता है, कंपनी अपने टर्नओवर का 10% निकालती है और जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट में टोटल डायरेक्टर जितनी यूनिट है, किसी का 30 यूनिट, किसी का 100 यूनिट, किसी का 200 यूनिट, किसी का 300 यूनिट, टोटल डायरेक्टर यूनिट को ऐड कर लिया जाता है और जो अमाउंट आता है उसमें डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की कीमत आ जाएगी। मैंने एग्जाम्पल लिया कि सपोज मानिए कि एक यूनिट की कीमत आई 500 रुपए। अब जरा सोचिएगा कि जिसकी 30 यूनिट हुआ है, मिस्टर ए जिन्होंने डायरेक्टर क्वालिफाई किया, इनके टीम से 30,000 बिजनेस वॉल्यूम गया है, इनको मिला 30 यूनिट। तो आइए देखते हैं कि मिस्टर ए को डायरेक्टर बोनस कितना मिला। 30
गुड़े 500 मल्टीप्लाई हमने किया 15,000 रुपया ले गए ये डायरेक्टर बोनस। याद रखिएगा 15,000 रुपया डायरेक्टर बोनस मिस्टर ए को मिला मात्र 30,000 बिजनेस वॉल्यूम पे। और देखिए मिस्टर बी की जो इनकम है, मिस्टर बी का थोड़ा ज्यादा काम किया मिस्टर बी ने और इन्होंने 100 यूनिट अचीव किया, इनकी टीम का बिजनेस गया 100 यूनिट मिला, तो 100 × 500 इनको 50,000 रुपया मिला डायरेक्टर बोनस। मिस्टर सी ने थोड़ा और जबरदस्त काम किया, 200 यूनिट अचीव किया, 200 × 500 100,000 रुपया मिला मिस्टर सी को डायरेक्टर बोनस। ध्यान दीजिएगा 100,000 रुपया डायरेक्टर बोनस। मिस्टर डी का जो यूनिट काउंट होगा, मिस्टर डी ने थोड़ी और जबरदस्त काम किया और 500 यूनिट अचीव किया, इनके टीम का बिजनेस और ज्यादा गया, 500 यूनिट इनको मिला, 500 × 500 2,50,000 रुपए ये ले गए डायरेक्टर बोनस। यार ध्यान से देखिए 2,50,000 रुपए मिस्टर डी का होता है डायरेक्टर बोनस। इस तरीके से मिस्टर आर एक ऐसा बंदा जो और तेजी से काम कर रहा है और 1,000 यूनिट मिला, 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट, एक यूनिट की कीमत आई 500 रुपए, 5,00,000 रुपए मिस्टर आर को मिला डायरेक्टर बोनस नेचर टच कंपनी से। ये नेचर टच कंपनी के प्लान की पावर है। नेचर टच कंपनी का हर एक प्लान, हर एक इनकम, चाहे वो डायरेक्टर बोनस हो, चाहे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हो, चाहे वो आपका एक्टिव बोनस हो, ये सारी इनकम यूनिक है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि नेचर टच का प्लान एक यूनिक प्लान है। अब मैं आपको नेचर टच के सातवें इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं, सातवें इनकम जिसे हम कहते हैं लीडरशिप मैचिंग बोनस। और ये कंपनी देती है जब आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं, सिल्वर डायरेक्टर और एंड अबव, सिल्वर या सिल्वर डायरेक्टर से ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको शुरुआत कंपनी करती है लीडरशिप बोनस। किसी भी कंपनी की बड़ी इनकम होती है लीडरशिप बोनस, जरा याद रखिए। आज आप अगर नेचर टच के साथ आप आते हैं और नेचर टच कंपनी जब 100 करोड़ की बनेगी, जब 200 करोड़ की बनेगी, जब 300 करोड़ की बनेगी, जब 500 करोड़ की बनेगी और जब 1,000 करोड़ की बनेगी, आपकी टीम की साइज और आपके टीम का टर्नओवर जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करिएगा कि आपका लीडरशिप मैचिंग बोनस क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि नेचर टच कंपनी आपको कैसे लीडरशिप मैचिंग बोनस देती है। ये लीडरशिप मैचिंग बोनस आप जो लेफ्ट और राइट की जो टीम आपकी जा रही है उसके टर्नओवर पे कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। आपका लेफ्ट में जितना टर्नओवर जाता है और राइट में जितना टर्नओवर जाता है, जैसे कि आप पिछला अभी डायरेक्टर बोनस आप ले रहे थे, डायरेक्टर बोनस में आप जब 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करते थे और 1,000 बिजनेस वॉल्यूम पे एक यूनिट मैच करता था, लेकिन लीडरशिप जो मैचिंग बोनस होगा वो 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम और 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जब राइट में होगा, 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जब लेफ्ट में जाएगा और 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में जाएगा, यहां से शुरुआत होगी आपकी यूनिट की। तो आपको मिलेगा एक यूनिट, 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम और 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपको एक यूनिट मिलता है। और एक यूनिट की जो कीमत होगी, जब ध्यान दीजिएगा कंपनी का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम जाएगा कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम का 10% निकालेगी और 10% जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट में टोटल जितने भी लीडरशिप बोनस क्वालिफाई होंगे जिनका जितना यूनिट होगा टोटल काउंट करके उससे डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की कीमत आ जाएगी। जितने लोग लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करेंगे, जितने लोगों को लीडरशिप बोनस होगा टोटल उस यूनिट को काउंट किया जाएगा और जो भी अमाउंट आएगा कंपनी के टर्नओवर का, कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम का, उसका 10% कंपनी अलग करेगी और उसमें डिवाइड करती है तो आपको एक यूनिट की कीमत मिल जाती है। मैंने एक एवरेज लिया कैलकुलेशन करिए कि एक यूनिट की कीमत जो लीडरशिप की आई वो 10,000 रुपया पर यूनिट आई। अब जिसका 1,00,000 यूनिट, जिसका 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है तो एक यूनिट मैच किया, मिस्टर ए की लीडरशिप मैचिंग बोनस, क्योंकि एक यूनिट मैच किया इनको 10,000 रुपया मिला लीडरशिप बोनस। लेकिन किसी का मिस्टर बी, इनका लीडरशिप बोनस 5 यूनिट मैच किया इनको मिला 50,000 रुपया लीडरशिप बोनस। इसी तरह से मिस्टर सी की लीडरशिप बोनस, इनका मैचिंग बना 10 यूनिट का और एक यूनिट की कीमत आई है 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपया बना मिस्टर सी का लीडरशिप बोनस। जब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1,00,000 रुपया लीडरशिप बोनस। मिस्टर डी ने थोड़ा और बड़ा काम किया, इनकी टीम की साइज और बड़ी है, इनका और टर्नओवर गया
और इनका 50 यूनिट मैच किया, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे एक यूनिट है, 50 यूनिट मैच किया, ध्यान दीजिएगा, तो 50 यूनिट गुणे 10,000, 5 लाख रुपया बनता है मिस्टर डी का लीडरशिप बोनस। ये है नेचर टच कंपनी का लीडरशिप बोनस। सिर्फ यही वजह है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नेचर टच का प्लान एक यूनिक प्लान है, एक यूनिक प्लान है, जहां पे नेचर टच कंपनी आपको एक बिग, एक बड़ा आपको दे रही है लीडरशिप बोनस। अब मैं आपको नेचर टच कंपनी के फंड के बारे में बात करने जा रहा हूं कि नेचर टच कंपनी कितने तरह का फंड आपको देती है। नेचर टच कंपनी आपको देती है ट्रेवल फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, एजुकेशन फंड, लाइफ स्टाइल फंड। लेकिन ये फंड मिलता कैसे, इसको जानना आपको जरूरी है। जब आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हैं, जब आपका लेवल 30% का हो जाता है, जब आपका 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं, या फास्ट ट्रैक से आप 75,000 बीबी करके आप 30% का लेवल अचीव कर जाते हैं, तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं और आपको अब 12 डायरेक्टर आपको बनाने होते हैं। आप खुद डायरेक्टर बनिए और 12 डायरेक्टर अपने लेग में क्वालिफाई करवाइए, आपको एक बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, ये सारे फंड आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, जब पहला डायरेक्टर आपका क्वालिफाई करता है आपके डाउन में, आपके डाउन लाइन में, तो आपको कौन सा फंड मिलता है। आप यहाँ पे बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर। जैसे ही आपकी टीम में एक व्यक्ति डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, आप चले जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर पे, और आपको एक डायरेक्टर क्वालिफाई करने पे, और आपको सबसे बड़ी बात यहां पे शुरू होता है ट्रेवल फंड 3% का। कंपनी अपने टर्नओवर से आपको 3% देती है ट्रेवल फंड। ये ट्रेवल फंड लेने का सबसे आसान तरीका होता है कि 24,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, जो आपका पर्सनल जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो, और ग्रुप का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है पीजीबीवी, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम को लेकर आपका क्वालिफिकेशन होता है कि 24,000 जब साइड से आपके टीम से आता है, जिस लेग को डायरेक्टर आपने क्वालिफाई करवाया है उस लेग को छोड़कर, तो आप यहां पर क्वालिफाई हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर, आपको मिलता है 3% ट्रेवल फंड। इसके बाद जैसे ही आपका दूसरा डायरेक्टर क्वालिफाई होता है, आप बनते गोल्ड डायरेक्टर, और गोल्ड डायरेक्टर बनने में आपका कंपनी ने मेंटेनेंस को और कम कर दिया, मात्र 18,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, 18,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जैसे ही आपका होता है, आप बाइक फंड अचीव करते हैं, आपको 3% ट्रेवल फंड भी मिलता है और साथ में आपको मिलता है 2% का बाइक फंड। बाइक फंड जो कंपनी आपको देती है मैक्सिमम 25,000 रुपए तक पर मंथ आपको कंपनी देती है। इसके बाद जैसे ही आपका तीसरा डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, आप यहां पे बनते हैं स्टार डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, और आपका साइड मेंटेनेंस बिल्कुल कम हो जाता है, मात्र 12,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है, और कार फंड कंपनी आपको देती है 5% तक, 5% आपको कार फंड मिलता है, और कार फंड जो मैक्सिमम देती कंपनी 1 लाख रुपया पर मंथ आपको मिलता है कार फंड, मैक्सिमम 1 लाख रुपया पर मंथ आप ले सकते हैं नेचर टच कंपनी से कार फंड। इस तरीके से जैसे आपके 6 डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, 6 डायरेक्टर, आप यहां पे बनते हैं क्राउन डायरेक्टर, और जैसे आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं आपका मेंटेनेंस बिल्कुल लो हो जाता है, मात्र 6,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आपका, मात्र साइड से 6,000 मेंटेनेंस अगर आप देते हैं, आपका हाउस फंड मिलता है 3% का, 1.5 लाख रुपए पर मंथ नेचर टच कंपनी आपको देती है हाउस फंड। जब क्वालिफाई होते हैं आपको 3% ट्रेवल फंड, 2% बाइक फंड, साथ में कार फंड 5% और 3% आपको मिलता है हाउस फंड कंपनी से पर मंथ। इस तरीके से आपको जब 9 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं, 9 डायरेक्टर जब आप क्वालिफाई करवाते हैं, तो आप बनते हैं रॉयल ब्लू डायमंड डायरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, रॉयल ब्लू डायमंड डायरेक्टर बहुत प्यारा सा नाम है। जैसे हम 9 डायरेक्टर क्वालिफाई करवाते हैं, आप बनते हैं रॉयल ब्लू डायमंड डायरेक्टर, आपका जो मेंटेनेंस होता है वो 0% हो जाता है, और एक फंड शुरू होता है एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड 2% कंपनी आपको देती है अपने टर्नओवर से, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर मंथ होता है। इस तरीके से जब आपका 12 डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं, 12 डायरेक्टर, आप बनते हैं ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर। फिर से ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर आप बनते हैं
12 डायरेक्टर क्वालिफाई करके, और आपको लाइफ स्टाइल फंड 1% कंपनी देती है, 1,00,000 रुपया पर मंथ मैक्सिमम होता है लाइफ स्टाइल फंड, आप नेचर टच से ले सकते हैं। इस तरीके से अगर ध्यान दीजिए आप तो नेचर टच कंपनी आपको कई तरीके का फंड बहुत इजी वे में आपके डिजाइन किया है, आप आसानी से इसको ले सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपना इफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा विजन बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। एक बात और हमने यहां पर लिख दिया, 1 has maintained 3 months फॉर द फंड। इस फंड को लेने के लिए आपको 3 महीने कंटिन्यू हाउस लेवल को मेंटेन करना होता है, और अगर आपने मेंटेन कर लिया 3 महीने तक तो कंपनी आपको लाइफ टाइम तक ये सारा फंड आपको देती है नेचर टच कंपनी। आपको आपको नेचर टच की 14वीं इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसी इनकम जिस पर नेचर टच के डिस्ट्रीब्यूटर की निगाहें टिकी हुई हैं। हर व्यक्ति चाहता है इस इनकम को अचीव करना। आखिर कैसी इनकम है, कितना अट्रैक्टिव है, आइए से देखते हैं कि इस इनकम से कैसे आप एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नेचर टच कंपनी आपको देती है 14वीं इनकम, फ्रेंचाइजी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस। याद रखिएगा, नेचर टच कंपनी आपको देती है फ्रेंचाइजी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस 2% ऑन बिजनेस पॉइंट या बिजनेस वॉल्यूम। याद रखिए कैसे मिलता है, जरा ध्यान से सोचिएगा, नेचर टच कंपनी कितना ख्याल आपको रखा है। कंपनी जानती है कि स्टार्टिंग फेज में जब भी कोई कंपनी का काम शुरू होता है या कोई भी काम शुरू होता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फील्ड में पेन लेते हैं, दर्द लेते हैं, और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आता है कि एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है। कंपनी ने कहा कि हमारे लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जो व्यक्ति आज हमारे साथ है, जो व्यक्ति उस फील्ड में शुरुआती दौर से अपना पसीना बहाया है, अपना मेहनत किया है, अपना इफर्ट डाला है। तो कंपनी ने कहा कि अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट जिस एरिए में कोई भी व्यक्ति अगर अपना डायरेक्ट स्टार्ट पॉइंट खोलेगा और उसको स्पॉन्सर करेगा, ध्यान दीजिएगा, आप जितनी भी स्टॉक पॉइंट खोलना चाहे, सपोज करिए आप किसी नए जिले में गए और आप उस जिले में बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, तो पहली जो प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट कहां से मिलेगा। फिर एक व्यक्ति मेहनत कर दुकान खुलवाता है, शॉप खुलवाता है, स्टॉक पॉइंट खुलवाता है, और फिर वो स्टॉक पॉइंट से लाखों का बिजनेस शुरू होता है, लेकिन खुलवाने वाले को कुछ भी नहीं मिलता था। नेचर टच कंपनी ने आपका विशेष ध्यान दिया, कहा कि वो व्यक्ति मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है जो व्यक्ति हमारे साथ आया हुआ है। तो अगर जितनी भी स्टॉक पॉइंट आप ओपन करवाएंगे उनके बिजनेस वॉल्यूम का, उनके टर्नओवर का 2% कंपनी आजीवन आपको देती है और मंथली होता है इनकम। ये एग्जांपल जरा देखिए कि आपने नेचर टच कंपनी में काम शुरू किया, स्टार्ट किया, और आपने 10 फ्रेंचाइजी, ज्यादा इतने बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर आपने सिर्फ 10 स्टॉक पॉइंट ओपन करवा दिया, 10 हमारी दुकानें, 10 शॉप खुलवा दिया, उस शॉप का जितना भी टर्नओवर जाएगा आपको 2% मिलेगा। अगर 10 दुकानों का मैं टर्नओवर सिर्फ 2,00,000 बिजनेस वॉल्यूम से कैलकुलेट करूं कि एक शॉप का, एक स्टॉक पॉइंट का सिर्फ 2,00,000 बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, तो 10 स्टॉक पॉइंट आपने ओपन करवाया है, आपका 20,00,000 रुपए का टर्नओवर गया बिजनेस वॉल्यूम का, और 20,00,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपका 2% 40,000 रुपया पर मंथ आपको मिलता है, 40,000 रुपीज पर मंथ आपको, सिर्फ एक तरह की इनकम की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में 40,000 रुपया कमाने के लिए आपको पता है कि कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। नेचर टच कंपनी का सिर्फ एक इनकम की मैं बात कर रहा हूं, ये एक इनकम आपकी जिंदगी बदल देगा, ये एक इनकम आपको कई तरीके से फ्रीडम देगा, एक ऐसा फ्रीडम कि कोई क्रॉस लाइन भी अगर यहां से सामान परचेज करेगी, अगर किसी भी एरिया में आप स्टॉक पॉइंट खुलवाते हैं, अगर आपकी टीम न जाकर कोई और टीम सामान खरीदती है वो भी टर्नओवर में ऐड होता है। कितनी खूबसूरत प्लान डिजाइन किया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। नेचर टच के पूरे प्लान में मैंने आपको 14 तरीके की प्लान का जिक्र किया, मैंने डिस्कस किया कि नेचर टच का यूनिक प्लान है, मैंने आपको बताया, मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि नेचर टच कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नेचर टच कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट्स। जब भी आती नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो बात होती है प्लान की, अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको अर्निंग लेने हैं, तो दोनों चीजें बेहतर होना चाहिए। प्रोडक्ट्स हो सकता है
कि किसी कंपनी का 1900 किसी कंपनी का 2000। नेचर टच कंपनी आपको वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट दे रही है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट, कई सेगमेंट में काम कर रही है, चाहे वो हेल्थ केयर का सेक्टर हो, चाहे हमारा होम केयर का सेक्टर हो, या पर्सनल केयर का सेक्टर हो, या हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, कॉस्मेटिक्स का सेक्टर हो, या ज्वेलरी का सेक्टर हो, इतने सारे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। FMCG के कई सारे प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च कर दिया, आपके ब्यूटी केयर कितने प्रोडक्ट आ गए, लेडी केयर कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। नेचर टच कंपनी आपको वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट देती है। और सबसे खूबसूरत बात कि अगर पैसे अर्न करना है, अचीवमेंट लेना है, इसका सबसे गहरा संबंध प्लान से होता है। किसी कंपनी के प्लान आपको निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, और कितने परसेंट आपको पैसा मिलेगा। नेचर टच कंपनी ने कोशिश किया है अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कमवाने का, हर डिस्ट्रीब्यूटर को सफल होने का। कंपनी का अपना एक विजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवर्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कार बांटें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम घर बांटे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ट्रेवल पर ले जाए, विदेश यात्रा पर ले जाए। जरा सोचिए, कंपनी ने बाइक फंड तक दे डाला आपके लिए कि आप ज्यादा नहीं बल्कि बाइक फंड अचीव करिए। एजुकेशन फंड आप कंपनी से जुड़ते हैं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। नेचर टच कंपनी ने एजुकेशन फंड दिया और नहीं आपको लाइफस्टाइल फंड दिया। जरा सोचिए ध्यान से, कंपनी का विजन, कंपनी आपके बारे में क्या सोचना चाहती है। कंपनी चाहती है, कंपनी अपने बारे में पहले नहीं सोची है, कंपनी ने आपके बारे में पहले ध्यान रखा कि आप अगर सफल होंगे पहले आपको सफल होना जरूरी है। कंपनी का विजन है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स देंगे, ज्यादातर लोग आएंगे जो कार, घर, इस तरीके से विदेश यात्रा और अधिक से अधिक चीजों को अचीव करेंगे। बारी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है कि आप नेचर टच कंपनी अपनी कहानी बना रही है, इस कंपनी में आप कहानी अपनी खुद लिखने वाले बनेंगे या कहानी सुनाने वाले बनेंगे। अब तक आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी आपने सुनाया है, आपने कई सारे अचीवर्स देखे नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में, आप कई सालों से लोगों की कहानियां सुना रहे हैं कि फला मेरा मित्र है या फला के मित्र ने ऑडी, मर्सिडीज, BMW अचीव किया है। नेचर टच कंपनी आपको एक मौका दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि कहानी आपको सुनाना नहीं है, एक ऐसा टाइम है कि आप अपनी कहानी लिखने का समय है। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में कोई और आपकी कहानी सुना रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं।